अरे हवे नजर करी राजकारण ना टॉप 9 न्यूज पर। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आज देहरादून और 24 डिसेम्बरे कुमाऊं में रेली ने संबोधशे। भाजपे 2022 विधानसभा चूंटणी जीतवा 5 लोकसभा बैठक दीत मोदी ने वधु 5 रेली नो आयोजन कर्यु छे, तो यूपी ना अलग अलग जिला में पण चूंटणी सभा ने लईने आयोजन। केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह राजस्थान प्रवासे आज रविवार जैसलमेर की मुलाकात लेशे। आज रात सरहद पर तैनात जवानों साथ बितावशे। 5 डिसेम्बरे जयपुर पहुंचे, तेमज भाजपनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बाद जनसभा ने संबोधित करशे। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस योजी सरकार पर निशान ताक्यो ने कहा कि मृतक खेडूतों ने सहाय आपो, मृतकों की यादी न हो तो अमारी पास थी लई लो। तो कृषि कायदा विषय कहा कि वडाप्रधान ने माफी तो मांगी, परंतु पश्चाताप क्या करशे। कांग्रेस सहित विपक्षी दल सांसदों राज्यसभा बाहर देखाव कर्यो। राज्यसभा माथी सस्पेंड करवा बदल गांधीजी की प्रतिमा पासे बेसीने धरना कर्या। प्रदर्शन करता सांसदों आक्षेप कर्यो कि संसद में लोकशाही की हत्या थई छे, विरोधियों अवाज दबावानो प्रयास थई रह्यो छे। खेडूत आंदोलन में एक तरफ घना खेडूत नेताओं आंदोलन समाप्त करने पक्ष में है, तो बीजी बाजू राकेश टिकेटे नवो नारो आप्यो छे। टिकेटे कहूं कि एमएसपी हमणा नहीं तो क्यारे रही, साथ ज कहूं कि कोई खेडूत जई रहा नहीं, आंदोलन में भीड़ वधी रही छे, बॉर्डर मजबूत थई रह्या छे। यूपी चूंटणी पगले अखिलेश यादव पूरजोश में चूंटणी प्रचार कर रहा, तरे वायरल थयो अखिलेश यादव सामे आत्महत्या की धमकी आपना शख्सनो वीडियो, जेने पटियाल विधानसभा माथी चूंटणी की टिकट मांगी हती, जो कि टिकट न मळे तो आत्महत्या की धमकी आपी। दिल्ली ना सीएम अरविंद केजरीवाले कर्यो चौंकावनारो दावो, कह्यु कि सीसीटीवी कैमरा लगावामां दिल्ली सौथी आगळ, तो बीजा तबक्कामां शहर में लागशे 1.40 लाख कैमरा। जाहिर क्षेत्र में अलग अलग स्थळोए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगावशे कैमरा। पंजाब विधानसभा की पूरजोश में तैयारी चाली रही है, तेरे पंजाब लोकगायक सिद्धू मूसावाला कांग्रेस में जोड़ाया। प्रदेश कांग्रेस कमिटी प्रधान नवजोत सिद्धू कहा कि मूसावाला विदेशों में युवाओं में पोताना पंजाबी गीत ने लेने चर्चा में। पंजाब विधानसभा की चूंटणी पगले भाजप पण एक्टिव मोड में है। 3 अकाली दल नेताओं सहित 24 नेताओं भाजप में जोड़ाई चुक्या। खेडूत आंदोलन समाप्त होता भाजपे जूना राजकीय साथीदार अकाली दल नेताओं ने भाजप में सामिल करने रणनीति अपनावी।